इसीलिए मैंने बोला था कि आज बहुत बड़ा दिन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी एक हफ्ता बीत गया है, मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया। आई नो आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे थे। ट्रस्ट मी, जितना आप लोग मुझे मिस कर रहे थे, मैं भी उतना ही आप लोगों को मिस कर रही थी। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स रीड करना मिस कर रही थी। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे मेल्स किए, मैसेजेस कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि मैं कब अपने व्लॉग्स लेकर आऊँगी। तो मैंने सभी को यही बोला था कि थोड़ा सा एक बार मैं सेटल हो जाऊँ घर में, उसके बाद फिर मैं डेफिनेटली व्लॉग बनाऊँगी। तो आज है सैटरडे, ऑलमोस्ट नहीं, पूरा एक हफ्ता हो गया है। लास्ट सैटरडे हम लोग ट्यूसॉन से मूव किए थे, नहीं फ्राइडे मूव किए थे। सो फ्राइडे मैंने व्लॉग बनाया था, तो एक हफ्ते से ऊपर हो गया है। एंड फाइनली आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। आज हमारी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड यहाँ पे गोविंद आ गया। तो जैसा कि मैंने बोला, आज बहुत बड़ा दिन है, फर्स्ट व्लॉग है मेरा शिकागो से। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस व्लॉग को बनाने के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी कि आज ये दिन इतना बड़ा क्यों है। और अभी हम लोग पूरा ड्रेसअप हैं और वहाँ पे अंशुल हैं, तो अभी हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। हम लोग कार बाय करने वाले हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि आज बहुत बड़ा दिन है। और अभी हम लोग डीलर स्टोर पे आके बैठ चुके हैं। मैं ऑफिस में बैठी हूँ अनिरुद्ध को लेके, और अभी अंशुल जो है वो पेपर वर्क कर रहे हैं। एक्चुअली कार हम लोग 3-4 दिन पहले आकर पसंद करके गए थे, उसमें थोड़े से काम होने थे, इसीलिए हमने 3-4 दिन वेट किया। एंड फाइनली अभी हमारी कार रेडी हो गई है लेके जाने के लिए। तो एक बार सब कुछ पेपर वर्क हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कार हमारे नेम पे ट्रांसफर हो जाएगी, तब मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। एंड मुझे पता है कि हमारी खुशी में आप सब लोग बहुत खुश होते हो, तो मैंने सोचा कि आज के दिन का व्लॉग जरूर मैं डॉक्यूमेंट करूंगी, जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और गोविंद अपने ब्लॉक्स घर से लेकर आया है यहाँ पर खेलने के लिए। क्या बना रहे गोविंद? बिल्डिंग। कितनी टॉल है, दिखाओ एक बार अपनी बिल्डिंग, प्लीज शो अस। वाओ, अभी हम लोग अपनी कार का इंश्योरेंस कराने आए हैं। अगर आप लोग यहाँ रहते होगे तो आपको पता होगा कि यहाँ की दुनिया इंश्योरेंस पे चलती है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, होम इंश्योरेंस हो, ऑटो इंश्योरेंस हो, हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। आई डोंट नो अबाउट इंडिया, बट जब मैं इंडिया में थी हमारे पास सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस था, और तब हम लोगों ने बहुत लेट हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। आई थिंक आई रिमेम्बर जब मैं 8th क्लास में थी, तब हमारे पापा ने हमारा फैमिली इंश्योरेंस लिया था। उससे पहले तो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं था हमारे पास। बट यहाँ की दुनिया इंश्योरेंस के बिना नहीं चलती, हर चीज़ आपकी इंश्योर्ड होनी चाहिए, तभी यहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो वही अभी अंशुल जो है इंश्योरेंस ले रहे हैं, और एज़ यूजुअल मैं बाहर हूँ अनिरुद्ध के साथ, क्योंकि वो अंदर बहुत शोर करता है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में एक्सप्लोर करती हूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंडियन स्टोर है, बस इंश्योरेंस लेने के बाद हम लोग वहाँ जाएंगे, थोड़ी सी मिठाई लेंगे और उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो अभी चलते हैं मिठाई लेने, क्योंकि इंश्योरेंस का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ का मंदिर है, ये जलाराम मंदिर है। अभी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ।
जा रहे हैं घर वापस। यहाँ पे मैंने पंडित से साथिया वगैरह नहीं कराया गाड़ी का, क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि पंडित जी आप थोड़ी सी पूजा कर देंगे हमारी गाड़ी के लिए। उन्होंने बोला यू हैव टू फिल अ फॉर्म और उसके लिए फिर अलग से तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा। सो मैंने सोचा यार वो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारे लिए। सो बस लड्डू का भोग वगैरह लगा लिया था भगवान जी को और घर जाके फिर मैं अब गाड़ी पे साथिया खुद करूंगी। अभी टाइम हुआ है 1:30, भूख का टाइम हो गया है। अनिरुद्ध वहाँ पर सो गया है। एक्चुअली उसका ना बॉडी क्लॉक यहाँ के टाइम के साथ सेट नहीं हुआ है अभी, तो उसका खाने का सोने का सारे रूटीन चेंज हो गए हैं। तो अभी बस घर जाके मैं उसे उठाऊंगी। दाल वगैरह मैं बॉईल करके आई थी तो फटाफट से लंच बनाऊंगी, सिंपल सा लंच बनाऊंगी और फिर छोटी सी पूजा हम घर पे ही अपनी गाड़ी की करेंगे। अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। हमने अनिरुद्ध के लिए एक सरप्राइज़ लिया है, अभी वो सो रहा है, उसको मैं शाम को दिखाऊंगी बट आप लोगों को पहले दिखाऊंगी। उसके डैडी अभी रिसीव करके आए हैं। बाबू पापा ने आपके लिए ब्लॉक्स मंगाए, खेलोगे? अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की पूजा करने। मैंने थोड़ा सा पूजा का सामान अपनी थाली में ले लिया है, कुछ मुझे एक्सटेंडेड पूजा तो करनी नहीं आती, बस छोटा सा साथिया बनाऊंगी और फिर हम मिठाई खाएंगे, आप लोगों को भी मिठाई खिलाएंगे। तो चलो आप सभी लोगों के लिए। आई विश मैं आप सब लोगों को खिला पाती बट इसे ही आप मेरा पर्सनल ट्रीट समझिए। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर हैप्पीनेस। आई नो आप लोग बहुत खुश होंगे जब ये व्लॉग देखोगे और मैं कोशिश करूंगी एज सून एज पॉसिबल इस व्लॉग को चैनल पे अपलोड करने का। और वैसे भी अब हम मंडे से सब लोग स्केड्यूल में आ जाएंगे क्योंकि अंशुल की जॉब स्टार्ट हो रही है, तो अब मेरे व्लॉग्स जो हैं वो भी रेगुलर हो जाएंगे। एंड मुझे पता है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो मेरे नए घर को देखने के लिए। ट्रस्ट मी आई एम डबल एक्साइटेड टू शेयर माई न्यू होम टूर विद यू ऑल, बट प्लीज़ गिव मी सम टाइम। अभी तो जो मैंने सामान भेजा था एरिजोना से वो भी हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो जब पूरा सामान मैं घर में अच्छे से सेट कर लूँगी, घर को प्रॉपरली डेकोरेट कर लूँगी, तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ हाउस टूर किचन टूर सब शेयर करूँगी। एंड तब तक आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स इन्जॉय करते रहिए। यहाँ की सराउंडिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ग्रीन है, तो मैं अब आगे आने वाले व्लॉग्स में सब आपको दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे व्लॉग्स बहुत पसंद आएंगे। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और इतना सभी मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर से मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। टिल देन यू टेक केयर, बाय।